बहुत पहले एक राजा ने अपने प्रजाओं की मानसिकता को जानने के लिए अपने ही राज्य के एक रास्ते के बीच में एक बड़ा सा पत्थर रख दिया था और वो खुद थोड़े से दूर में जाकर एक पेड़ के पीछे खड़ा हो गया था। वो छुपकर उस रास्ते पर नजर रख रहा था ये देखने के लिए कि कौन उस बड़े से पत्थर को रास्ते से हटाएगा। थोड़े ही देर बाद उस रास्ते से कुछ लोग गुजर रहे थे। जब वो बीच रास्ते में एक बड़ा सा पत्थर देखा तो फिर वो लोग रास्ते के पास से ही चले गए थे। कुछ देर के बाद राजमहल के कुछ लोग उस रास्ते से गुजर रहे थे। वो लोग पत्थर को देखकर राजा को ही दोष देते हैं। वो लोग ये कहते हैं कि राजा अपना काम ठीक से नहीं कर रहा है, रास्ते में इतना बड़ा बड़ा पत्थर पड़ा है, क्या राजा की ये कर्तव्य नहीं है कि इसे हटाया जाए। ये सब कहते कहते वो लोग भी वहां से चले गए थे। फिर कुछ ही देर के बाद उस रास्ते से एक सब्जी वाला जा रहा था। उसके कंधे पर आलू के बस्ता था, पर जब उसकी नजर उस बड़े से पत्थर के ऊपर पड़ा तब वो अपने कंधे से आलू के बस्ते को नीचे रखकर उस पत्थर को हटाने की कोशिश में लग जाता है और बहुत मेहनत के बाद उसने उस बड़े से पत्थर को वहां से हटा दिया था। वो जैसे ही उस पत्थर को रास्ते से हटाता है तो फिर उसे उस पत्थर के नीचे बहुत सारे सोने के सिक्के और एक चिट्ठी मिलता है। उस चिट्ठी में लिखा था कि ये इनाम राजा की तरफ से पत्थर हटाने वाले के लिए है। ये सारी घटना पेड़ के पीछे से राजा खुद देख रहा था। तब राजा ने उस आदमी के पास जाकर उसे अपने राज्य की सबसे खास आदमी बना लेता है। दोस्तों, इस कहानी के उस पत्थर की तरह ही हमारे रुकावटें और मुश्किलें हमें आगे बढ़ने नहीं देता है, और इसलिए आपके जीवन में अपने लक्ष्य प्राप्ति के मार्ग पर जब कोई भी मुश्किलें आए उसे नजरअंदाज करके अपने लक्ष्य से मुंह मत मोड़ लो। ज्यादातर लोग अपने रास्ते से मुश्किलों को देख कर ही पीछे हट जाता है, लेकिन जब सब पीछे हट जाए तब आप सामने आ जाओ, क्योंकि जीत उनके ही होता है जो अपने समस्याओं के अंदर भी मौके ढूंढते हैं, क्योंकि यही मौके आपको लक्ष्य प्राप्ति के मार्ग पर लेकर जाता है। दोस्तों, हमारे सारे वीडियोस आप लोगों को कैसा लगता है कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलना, और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो कर लेना, और उसके साथ साथ हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को भी प्रेस करके रखना, ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे।